प्रदेश के शिवपुरी में अनोखा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां जिला कलेक्टर अक्षय कुमार और नगरपालिका सीएमओ शैलेश अवस्थी के लिए सड़क पर गंदगी में कुर्सियां रखी गईं और अधिकारियों के नाम की तख्ती लगाकर माल्यार्पण किया गया। यह आयोजन सोसाइटी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट के अध्यक्ष पीयूष शर्मा ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किया। उनका कहना है कि यहाँ जिला कलेक्टर और सीएमओ को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन अधिकारी नहीं आए। उनका कहना है कि स्वच्छता अभियान के नाम पर प्रशासन रस्म अकायदी कर रहा है, जबकि स्थानीय निवासी गंदगी में रहने को मजबूर हैं। ये एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ आदर्श नगर में लगातार पानी भराव की और समस्याएं चल रही हैं, और नाला ये अपना कृष्णपुरम कॉलोनी और जगह जगह का दूर दूर के नाले हमारे यहाँ अवैध रूप से सारे नाले इस कॉलोनी पे जोड़ दिए गए हैं, उससे हम बहुत पीड़ित हैं। और उनके कारण एक्सेस वाटर फ्लो के कारण हमारे पास नाले की सबसे ज़्यादा गंदगी उपलब्ध है, और जो स्वच्छता अभियान के नाम पे जो भी कार्रवाई प्रशासन शासन शिवराज सिंह या कलेक्टर शिवपुरी कर रहे हैं वो सब एक दिखावा है, और उससे सिर्फ पैसे की मलाई काटने का काम जारी है। और यथार्थ धरातल पे जो हम दिखा रहे हैं आपको, आप देख लीजिए, हम कलेक्टर साहब का स्वागत करना चाहते हैं पूरे कॉलोनी वासी, तो कलेक्टर साहब स्वागत कराने नहीं आ रहे हमारे पास।